ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बजट पेश किया गया है और क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं, वित्त मंत्री ने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं इस बजट को लेकर, सुनवाते हैं आपको। किसान उनकी जिनकी आय का एक बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में ही चला जाता है, के लिए राज्य सरकार ने अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। आगामी वित्तीय वर्ष में 2020-2021 में इससे राशि इसमें राशि 2000 करोड़ रुपए का बजट है, उपबंध प्रस्तावित है। योजना के तहत जी कंप्यूटर एग्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग चलाई जा रही है, जिसमें प्रति वर्ष 80 विद्यार्थियों का नामांकन किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष से 240 विद्यार्थी प्रति वर्ष नामांकन प्रस्तावित है। यह नामांकन मेरिट आधारित होगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य जनजातीय भाषा की समृद्धि एवं उत्तरोत्तर विकास के लिए जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा राज्य की आम जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में राज्य के सभी बीपीएल परिवारों के अतिरिक्त अन्य एपीएल परिवारों को भी राज्य एवं केंद्र सरकार के नियमित कर्मियों को छोड़कर आयुष्मान भारत योजना के अनुरूप 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा राज्य योजना मद से कराए जाने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त शामिल किए जाने वाले परिवारों के लिए 1 लाख रुपए तक की राशि का वहन बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। चिकित्सा में 1 लाख रुपए से अधिक एवं 5 लाख रुपए तक की राशि में 50% राशि लाभुक परिवारों द्वारा इलाज के उपरांत अस्पताल को डिस्चार्ज के पूर्व भुगतान की जाएगी तथा अवशेष 50% राशि राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों को भुगतान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 8 लाख रुपए वार्षिक आय तक के सभी परिवारों को देश के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में कैंसर, किडनी एवं गंभीर लीवर रोग के इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी एवं इलाज पर होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021 में लगभग 3000 बुनकरों, रिलरों एवं सूत कातकों को रोजगार देने तथा 2000 शिल्पकारों को उत्पादन से जोड़ने का लक्ष्य है। झारखंड राज्य में 120 प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियां, 43 हस्तकरघा क्लस्टर तथा 133 कार्यरत हस्तकरघा ग्रुप को सुदृढ़ करने की योजना है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा इको टूरिज्म के माध्यम से पर्यटन के साथ साथ आदिवासी संस्कृति एवं उनकी आजीविका को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य में पर्यटन के माध्यम से राज्य के पर्यटन क्षेत्रों में आगामी वित्तीय वर्ष 2021 में 50,000 रोजगार स्वरोजगार सृजित किए जाने का लक्ष्य है। पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान एवं उन्हें नियमित मानदेय सुनिश्चित कराने हेतु कुल 1,660.77 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोईया व्यावसायिका के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे अब उन्हें मानदेय के रूप में 2000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इस पर 41 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। आगामी वित्तीय वर्ष में 15 झारखंड आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण कराते हुए उन्हें पठन पाठन कर प्रारंभ किया जाएगा। इस पर 65 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है।